हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक हेयर डाई बताऊंगी जो बालों के लिए बहुत अच्छी है होती है। इसके लिए मैंने आंवले के पत्तों का इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मुझे क्या क्या चाहिए। इसमें मैंने ये आंवले के पत्ते लिए हैं। आंवले के पत्तों को मैंने छाया में सुखाया है। सुखाने के बाद ये देखिए कितने कुरकुरे हो गए हैं आंवले के। अब मैं आपको बताती हूँ आंवले के पत्तों का बेनिफिट क्या है। आंवले के पत्ते बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे आंवला खाते हैं हम तो पूरे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसी तरह आंवले के पत्ते बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये बालों को कलर भी करते हैं, बालों को कंडीशनर भी करते हैं, और बालों में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उन सब के लिए आंवले के पत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। अब ये जितने भी, अगर आपके बाल फिजी हैं, दो मुंह के बाल हैं, बाल बहुत ही रफ हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए अभी मैंने आंवले के पत्तों को छाया में सुखाया है। सुखाने के बाद इन्हें मैंने देखिए ये पीस लिया है। ये आंवले के पत्ते हैं इधर, और ये मैंने इसमें पतंजलि की हिना का इस्तेमाल किया है। अब पतंजलि की हिना बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप जैसे आप हेयर मास्क बनाते हैं या बालों के लिए अपने कलर के लिए मेहंदी इस्तेमाल करते हैं तो पतंजलि की हिना लीजिए, वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें 100% नेचुरल है। उसमें सब चीज़ें नेचुरल होती हैं, कत्था वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें होती हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। इसलिए अभी मैंने आंवले के पत्तों को सुखा कर उसका पाउडर बनाया है। ये मैं थोड़ा बनाऊंगी क्योंकि मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। इसलिए इसमें मैंने 2 चम्मच आंवले के पत्तों का इस्तेमाल किया है और 2 ही चम्मच मैंने इसमें पतंजलि की हिना का इस्तेमाल किया है। अब इसे पेस्ट को बनाने के लिए मैं इसमें ये मैंने चाय पत्ती का पानी पकाया है। अब मैं आपको बताती हूँ चाय पत्ती बालों के लिए क्यों अच्छी होती है। चाय पत्ती बालों के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि चाय पत्ती को जो हम जैसे पानी में पकाते हैं, इसके बालों को अगर हम मेहंदी में पेस्ट बनाकर बालों में लगाते हैं तो बालों के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि जैसे भी आपके बाल आंवले के पत्तों के साथ आप चाय की पत्ती का पानी इस्तेमाल करेंगे पेस्ट बनाने के लिए तो वो बालों के लिए बहुत अच्छी है। आपके बालों में डैंड्रफ है, बाल ड्राई हैं, बहुत ही फिजी बाल हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल बहुत ही रूखे हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि आंवला की पत्ती के साथ साथ चाय की पत्ती का पानी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बालों को नेचुरल कंडीशनर देगा, बालों को कलर भी देगा, और जैसे आप मेहंदी में कोई भी चीज़ें डालती हैं तो वो बालों के लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसी तरह आप चाय की पत्ती का पानी भी इस्तेमाल करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। इसलिए अब ये मैंने, अब आंवला में तो नेचुरली विटामिन सी इतना ज़्यादा मात्रा में होता है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बालों को झड़ने से भी बचाएगा, बालों की हर प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसलिए इसमें मैंने ये 2 चम्मच मैंने आंवला का पाउडर लिया है जो उसकी पत्तियों को सुखाया है मैंने, और 2 ही चम्मच मैंने पतंजलि की हिना ली है, और ये मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने चाय पत्ती ली थी जो मैंने आधा कटोरी पानी में अच्छे से पकाई है। पकाने के बाद इसका नेचुरल कलर इतना डार्क हो गया कि ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए अब मैं इसे बनाऊँगी इसका पेस्ट। जब आप अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं तो बालों का पेस्ट भी आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग, अगर आपके बाल छोटे हैं तो उन बालों के लिए आपको ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि छोटे बालों में आप अगर ब्रश से भी बालों में मेहंदी लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से जड़ों में या पूरे बालों में लग जाएगी, और लंबे बालों में आप अगर मेहंदी लगाते हैं तो उससे ज़्यादा थोड़ा पेस्ट इतना ऐसा होना चाहिए कि आप पूरी जड़ से लेकर पूरा ऐसे बालों तक अच्छे से लगाएँ, वो पूरे बालों में आपके अच्छे से लग जाए। इसलिए अब आपको इस पेस्ट को बनाना है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि वो सिंपली इसमें आंवले के पत्ते इतने अच्छे हैं जो बालों की हर समस्या के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये डाई का भी काम करेगा, बालों को कंडीशनर भी करेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखिए, अब इसे पेस्ट को आप अपने बालों के हिसाब से, जितने आपके बाल लंबे हैं उसी हिसाब से आपको पेस्ट बनाना है। ये आपके बाल नॉर्मल हैं तो आप इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी अपने बालों के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कीजिएगा, और मेहंदी भी आंवले के पत्ते आप कितने भी ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा बालों को क्योंकि ये तो 100% नेचुरल है, ये बालों को कोई नुकसान नहीं देगा। और डाई, जब आप डाई बना रहे हैं तो आंवले के पत्ते और मेहंदी भी आप बराबर मात्रा में ले सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बालों के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आप मेहंदी ज़्यादा लें या आंवले के पत्ते कम लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप आंवले के पत्ते भी बराबर मात्रा में मेहंदी के साथ लीजिए, जितना आप मेहंदी इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप आंवले के पत्ते लीजिए। इसलिए अब इस पेस्ट को जब आप अच्छे से बना लेंगे, इसको आपको 1 से 2 घंटे तक अच्छे से इसे लोहे की कढ़ाई में रखना है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में रखने से क्या होता है, हमारे बालों को में अगर आयरन की कमी है तो वो भी हमें आयरन की कमी लोहे की कढ़ाई से मिल जाती है, और बालों का कलर भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में घोलने से जब आप मेहंदी घोलेंगे तो थोड़ा ब्लैक शेड आ जाता है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए अभी आपके 2 काम करेगी, आपको आपके बालों के लिए डाई का भी काम करेगी, आपके बालों को ये
कलर भी करेगी और मास्क का भी काम करेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही जो तीनों चीज़ें मैंने ली हैं बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही अच्छी हैं। इसलिए अब आपको इसे क्या करना है, अच्छे से अपने बालों को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपको इसे अपने बालों में लगाना है, कम से कम भी 3 से 4 घंटे तक आपको इसे अपने बालों में लगा कर रखना है। जब आप इसे 3 से 4 घंटे तक अच्छे से बालों में लगा कर रखेंगे, उसके बाद आपको प्लेन पानी से सिर को वॉश करना है। वॉश करने के बाद जब ये सूख जाएगी तो आपको हल्का सा ऑयल अपने बालों में इसमें लगा कर छोड़ना है और नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। उसके बाद आप अपने बाल देखिएगा कितने सॉफ्ट, कितने नेचुरल, कितने कंडीशनर वाले और कितने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक ही बार में ये डाई आपके बालों में इतना काम करेगी। इसलिए प्लीज़ एवरीवन इस डाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ मेरी अच्छी लगती है, आपको कुछ उस चीज़ से लाभ होता है, तो आप अपने शेयर कीजिएगा जिससे कि उस चीज़ का लाभ किसी और को भी मिल सके। इसलिए तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कोई देख रहा है, हमारी वीडियो पसंद कर रहा है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को बेकार मत होने दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।